हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके यूजर्स, डोसेज, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, आप इन टैबलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं और इसे लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर भी अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके किसी इलाज के लिए लिख कर दे रहे हैं, ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम पैसिमॉल एक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपको दो कंटेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं, एक आपको मिलता है इसमें पैरासिटामोल, दूसरा आपको कैफीन मिल रहा है। ये दोनों कंटेंट आपके किसी भी तरह के तेज बुखार और दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर्स आपको यूज करते हैं। देखो, इसमें पैरासिटामोल कंटेंट आ रहा है तो ये एक एनल्जेसिक एंटीपायरेटिक कंटेंट है, मतलब आपके दर्द से लेके आपके बुखार तक ये कम करता है। और कैफीन इसमें आ रहा है तो आपको एनर्जेटिक महसूस करवाने का काम कैफीन आपके लिए करता है। हम जब भी कभी बीमार होते हैं या फिर बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हम चाय, कॉफी इस तरह का कोई भी ड्रिंक लेते हैं। कॉफी में और चाय में कैफीन अवेलेबल होता है जिससे हम एनर्जेटिक खुद को महसूस करते हैं। तो इसके अंदर भी कैफीन आपका यही काम करेगा कि देखो, जो भी लोग बीमार होते हैं इनको बिल्कुल भी डलनेस महसूस होती है, बेचैनी होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता। तो कैफीन जो है आपको एनर्जी को बढ़ाएगा, आपको स्वस्थ महसूस करवाएगा और पैरासिटामोल आपके बुखार को कम कर देगा। ये जो टैबलेट है इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डॉक्टर को पूछकर ही लेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर घर में ले रहे हैं तो एडल्ट में यूज होने वाली टैबलेट है, बच्चों में इसको किसी भी तरह से यूज नहीं करना है। अब फ्रेंड्स, इसके कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे आपको मिचली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, थकान, चक्कर भी रह सकती है, मुंह में सूखापन हो सकता है, नींद आ सकती है और आपको एलर्जिक रिएक्शंस लग सकते हैं। अब देखो, आपने कभी टैबलेट कोई ली नहीं है या फिर आप बहुत कम से कम टैबलेट्स यूज करते हैं तो आपको हो सकता है कि टैबलेट की हल्की सी एलर्जी दिखाई दे, जैसे बूंदे आना, कहीं कंधों पर, चेहरे पर, इस तरह की पीठ पर बूंदे आ जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इनके लिए डॉक्टर के पास जाने की खासकर जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप चले जाते हैं 2-3 दिन के अंदर। लेकिन किसी भी साइड इफेक्ट से अगर आपको तकलीफ लगे तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इससे आपको हल्की सी नींद आ सकती है, तो कहीं आप बाहर जा रहे हैं या फिर ड्राइविंग के दौरान इसको लेना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अल्कोहलिक जो भी लोग हैं ये भी अल्कोहल के साथ इस टैबलेट को नहीं लेंगे क्योंकि इससे नींद आ सकती है, तो ऐसे लोगों को बेहोशी भी हो सकती है। अगर आप किडनी लीवर के पेशेंट है, किडनी लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है, आपको अल्सर है या फिर दौरे पड़ते हैं, किसी भी तरह की बीमारी हो तो डॉक्टर को बताना जरूरी है। किसी भी दवाई से आपको एसिडिटी होती हो, कोई पर्टिकुलर हो या फिर हर दवाई से किसी किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो एंटासिड आप ले सकते हैं इस दवाई को लेने से 15 मिनट पहले या फिर आधा घंटा पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसे लेने से मुंह में सूखापन होता है तो आप पानी का इंटेक थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे तो मुंह में सूखापन होने का ये जो चांस है ये भी आपको नहीं होगा। इस टैबलेट को आप खाने के साथ, बिना खाए दोनों तरीके से ले सकते हैं, लेकिन इसको खाने के साथ लेने से इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं। बिना खाए लेंगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगे, गैस बनने की जो प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों को, तो बिना खाए अगर कोई टैबलेट यूज कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जरूर होती है। तो आप इसको खाने के साथ ही यूज करेंगे, रेस्टिंग टाइम में लेने से इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इप्का के बारे में बात करें। इप्का कंपनी की टैबलेट है तो आपको 10 टैबलेट की वन स्ट्रिप आने वाली है। यहाँ पर वन स्ट्रिप की जो कीमत है आपको 31.85 रुपए इतनी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पैकिंग में चेंजेस लेंगे तो पैकिंग में भी चेंजेस होते हैं तो भी प्राइसिंग में चेंजेस होते हैं, और अगर सेम कंटेंट आप किसी अदर कंपनी में लेते हैं तो भी प्राइसिंग में चेंज इसमें देखा जाता है। हल्का सा माइनर सा फर्क होता है, बहुत ज्यादा वाला फर्क इसमें नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बता देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी मेडिसिन का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पर विजिट जरूर करना, यहाँ पर आपको हर मेडिसिन का रिव्यू मिलता रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।